अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जॉब घर के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हम हाज़िर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एप्पल ने गुज़श्ता दिनों आईफोन 14 सीरीज़ जो है उसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है, उसको लॉन्च कर दिया है। तो इसके साथ साथ एप्पल ने अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है इसी साल उसको लॉन्च किया है, उसको अपडेट किया है। तो हम आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि एप्पल का जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किन किन आईफोन्स पर दस्तयाब होगा। ये बताने से पहले नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जॉब घर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल जॉब घर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन, एप्पल ने गुज़श्ता दिनों आईफोन 14 सीरीज़ और वॉच सीरीज़ 8 को मुतारिफ कराया था, मगर इसके साथ साथ कंपनी का नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी 12 सितंबर से सार्फिन को दस्तयाब हो गया है। OS 16 और वॉच OS 9 सार्फिन को 12 सितंबर से ये चीज़ दस्तयाब हो गई है। आईफोन्स के नई ऑपरेटिंग सिस्टम में मुतइद नए फीचर्स को पेश किया गया है। इन फीचर में मैसेंजर ऐप में भेजे गए मैसेजेस को एडिट करना, नए पर्सनलाइज टूल्स और दोस्तों से फ़ोटो लाइब्रेरी शेयर करने का नया तरीका भी शामिल है। मगर OS 16 को तमाम आईफोन्स पर अपडेट करना मुमकिन नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ी न्यूज़ है कि आपके जितने भी दूसरे आईफोन्स हैं उनके ऊपर जो OS 16 है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम 16 जो नया आईफोन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सबके ऊपर अपडेट नहीं आप कर सकेंगे। एप्पल का नया ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ आईफोन 8 या इसके बाद के आने वाले मॉडल्स पर दस्तयाब होगा और 2016 या इससे पहले के आईफोन्स में इसे अपडेट नहीं किया जा सकेगा। यानी सिर्फ़ और सिर्फ एप्पल आईफोन 8 या उसके बाद के जो मॉडल्स हैं आप सिर्फ उसी में इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप किसी भी पुराने फ़ोन्स में या 2016 के बाद जो फ़ोन्स आए हैं उनमें अपडेट कर सकते हैं। यानी अगर आप आईफोन 16 एस, आईफोन OS और आईफोन 7 इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आपके लिए एप्पल का सॉफ्टवेयर अपडेट दस्तयाब नहीं होगा। ये मैं गैर मुतवक्के फैसला नहीं, क्योंकि एप्पल की जानिब से पुरानी डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट को हर साल ख़त्म किया जाता है, मगर ये वाज़ रहे कि नए OS सिस्टम तक रसाई ख़त्म होने के बाद भी आपका पुराना आईफोन काम करता रहेगा लेकिन वो नए फीचर्स से महरूम रहेगा। सो नाज़रीन, एप्पल जो है वो डिफरेंट अपनी जो है वो कैटेगरीज और डिफरेंट अपनी अपडेट्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से, सिक्योरिटी फीचर्स के हवाले से वो लॉन्च करता रहता है और एप्पल हमेशा अपने सार्फिन को जो भी नई अपडेट आती है उससे अप टू डेट रखता है। सो नाज़रीन, ये एप्पल का जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपका आईफोन 8 या आप उससे आगे का मॉडल है तो उसके ऊपर आपका जो OS आप इसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका आईफोन जो है वो आईफोन 8 से पीछे वाला मॉडल है, यानी 6 है या 7 है, तो उसके ऊपर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता, लेकिन आपका जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।